अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपके घरों को आबाद रखे और आपके किचनों को हरा भरा रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे स्टीम रान। तो स्टीम रान बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन है इसे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद मैंने बकरे की रान ली है, उसे मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया था। अब हम एक बड़ी छुरी की मदद से इसके अंदर गहरे कट लगाएंगे। अब जितने ज़्यादा गहरे कट लगाएंगे उतना ही अच्छा मसाला इसमें रचेगा। एक साइड से मैंने कट लगा लिए है, अब हम इसकी साइड पलट के दूसरी साइड से भी इसी तरह कट लगा लेंगे। जी, सारी रान पे मैंने अच्छे से कट लगा लिए हैं। अब ये हड्डी, इसको हम इस तरह से हल्का सा काट लेंगे ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए और ये बाकी की हड्डी हम काट देंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने लेना है 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून लेना है हमने नमक। नमक को हम सिरके में डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम रान पे लगा देंगे और अच्छे से हम इसे मसाज करेंगे ताकि नमक और सिरका रान के अंदर तक चला जाए और इसके अंदर जो स्मेल वगैरह होती है वो सारी निकल जाएगी। अब नमक सिरका लगाने के बाद हम तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटा इसे छोड़ देंगे इसी तरह, ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा नमक सिरका पानी वगैरह जो भी है वो सब निकल जाएगा। इसे लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि इस रान के अंदर गोश्त की जो स्मेल होती है वो स्मेल निकल जाएगी। आप देख सकते हैं नमक वाला सारा पानी निकल चुका है और रान बिल्कुल सादा हो गई है। अब बाकी मसाले देख लीजिए। 1 कप मैंने दही का लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कचरी पाउडर लिया है, 1.5 तंदूरी मसाला है, ये अगर है तो डाल ले वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोड़ दे। 1 टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये 1 टेबलस्पून है, 4 टेबलस्पून मैंने लिया है लेमन का जूस, 1 टीस्पून ली है मैंने काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून ली है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून नमक है, चिली सॉस, सोया सॉस और ये सिरका मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अब हम दही में ये सारे मसाले डाल देंगे। ये कचरी पाउडर है, कचरी पाउडर गोश्त गलाने के काम आता है। अगर आपके पास कचरी पाउडर ना हो तो आप कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं, वैसे ये पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है।
चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और ये बाकी के सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हम रान रखेंगे और उसके ऊपर ये सारे दही वाले मसाले जो हमने दही में डाले थे वो सब इसके ऊपर लगा देंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से इन कट में डालेंगे ताकि कट के अंदर तक मसाला चला जाए। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह, आप हाथों की मदद से जितना हो सके इसके अंदर तक मसाले लगाएं और इसे 12 से 14 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए आप इसे छोड़ दें। जी, पूरी रात गुजर जाने के बाद अब हम देख लेते हैं। अब रान हमारी स्टीम लगाने के बिल्कुल लायक हो चुकी है, मसाले बहुत अच्छे से रह चुके हैं इसके अंदर। अब हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैं रान को डालूंगी और ये जो इसके साथ दही वाला मसाला है ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, दही का और ये रान का अपना ही पानी निकलेगा तो यही पानी काफ़ी रहेगा इसके गलने में। आप एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा और मैं इसके साथ 4 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। और इसे चूल्हे पे चढ़ा के फ्लेम हम हाई कर देंगे जब तक उबाल नहीं आ जाता। उबाल आने के बाद हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे। अभी हम इसे उबाल आने तक पका लेंगे। जी, उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं पानी दही उबल रही है। तो अब हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और इसे तकरीबन 2 घंटे एक साइड से और 2 घंटे एक साइड से पकाएंगे। 2 घंटे गुजर जाने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। जी, रान बिल्कुल एक साइड से गल चुकी है। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और इसकी मदद से हड्डी को पकड़ के हम इसको इस तरह से उलट देंगे। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से पका लेंगे। जी, अब दोबारा से चेक कर लेते हैं। 2 घंटे इधर से भी हो गए हैं। अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। जी, आप देख सकते हैं रान हमारी कितनी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, गोश्त बिल्कुल अलग हो रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब एक हम ओवन की ट्रे ले लेंगे, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप किसी फ्राई पैन में या आप तवे के ऊपर भी इसी तरह आप इसे हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे ओवन में तकरीबन 10 मिनट के लिए लगा दूंगी ताकि ये ऊपर नीचे से अच्छे से पक जाए। ये बचा हुआ हल्का हल्का मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे और जो बाकी बचा हुआ मसाला है उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे ज़ीरा चावल बना लिए है उसी मसाले के जो कढ़ाई में मसाला बचा था, ज़ीरा चावल पका लिए हैं मैंने उसके। अगर आप चाहे आप नान या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी रान स्टीम हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये गल चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा
और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।